हेलो स्टूडेंट, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने पूरे एक साल प्रिपरेशन किया, अब उसका समय आ गया है। लास्ट 10 डेज आपके पास बचे निमसेट के लिए, और उसके नेक्स्ट डे के बाद जेएनयू का पेपर है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, और अभी कल आपने बीएचयू का एग्ज़ाम भी दिया। जैसा क्लासरूम के स्टूडेंट ने मुझे बताया और जो ऑनलाइन के स्टूडेंट से भी बात हुई कि पेपर बिल्कुल ऐसा था कि कहीं पर भी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन बनते हुए जा रहे थे। 120 क्वेश्चन में मैथ्स के और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरे इजीली मैनेज हो रहे थे, और ऑनलाइन एग्ज़ाम था। और मैंने बच्चों को एक ही बात बोली थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि स्कैनिंग करने का तरीका होता है कि जो क्वेश्चन बनता है उसको करो, जो नहीं बनता उसको स्कैप करके आगे बढ़ते जाओ। अब आप क्योंकि निमसेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि ऑफलाइन है, हो सकता है आगे जाके ये भी ऑनलाइन हो जाए, पर अभी अच्छी बात ये कि ऑनलाइन ऑफलाइन है। और अब लास्ट 10 डेज में ऐसा क्या करें जिससे हम एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके पास ये एक तो लास्ट संडे है, और इसके बाद उसके नेक्स्ट संडे आपको एग्ज़ाम देना है। इन 10 डेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज करो कि आपको ये अफसोस नहीं हो कि ये यार लास्ट टाइम में किया होता तो अच्छा होता। सबसे पहले कोई भी नए टॉपिक्स को, कोई भी नई चीज़ को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें, नंबर वन। दूसरा, आपको जो जनवरी से लेके अब तक टेस्ट मिले, अभी भी मिलेंगे, उन टेस्ट को ही सॉल्व करें, उन टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। और उन टेस्ट पेपर को सॉल्व करते समय अगर कोई क्वेश्चन आपका अभी भी रॉन्ग होता है तो उस रॉन्ग के रीजंस को थोड़ा एनालाइज करें। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग क्यों होता है वो समझें, या तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, फॉर्मूला मिस्टेक होती है, थ्योरी मिस्टेक होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है, समझिए कि क्या है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक, और कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं, केयरफुल होकर करिए। तो जितने पेपर्स हैं 2008 से लेके 2018 तक के एक्चुअल पेपर्स हैं आपके पास, और इसके अलावा आपको कई सारे मॉक पेपर्स मिले, इन सब पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया आपने। मैंने आपको पिछले सेशन में ही बोला था इस समय अब। और दूसरा ये कि इन पेपर्स को सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस करते हुए चलिए, तो नया पढ़ना बंद करिए। दूसरा, अगले 6-7 डेज याद रखिएगा कि ये सेशन मतलब फ्राइडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक ही आप टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें, इसके बाद नहीं करना है। यानी और पेपर का ऑर्डर वो रखिए जो फाइनल एग्जाम में करने वाले हैं, यानी 26 मई को 10 बजे आप जो करने वाले हैं वो काम आपको अब से लेके थर्सडे तक करना है। जैसे यहाँ पर क्लासरूम में मैंने बोला हुआ है कि अब हर दिन 10 o'clock पे टेस्ट देना है। नॉर्मली भी 10 o'clock पे होता था, पर अभी 10 से 12 में ही थर्सडे तक टेस्ट होगा। वैसे ही आप घर पे करिए कि 10 टू 12 के टाइम में ही टेस्ट दीजिए। दूसरा, अगर आपको कूलर में या एसी में पढ़ने की आदत है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जिस सेंटर पे आप देने जाने वाले हो वहाँ पर आपको ना कूलर मिलने वाला ना एसी, तो आप पंखे की हवा में ही एग्ज़ाम दीजिए। ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 10 डेज में अगर आपने अपनी बॉडी को, अपने आप को इस ढंग से एडजस्ट कर लिया कि जो 26 को होना है वो आपने अभी से तैयार कर लिया, तो 26 का पेपर इजी लगेगा। तो सबसे पहला काम कि अभी आप रोज 10 o'clock पे ही टेस्ट दीजिए, डॉट 10 to 11:50, 11:55, 5 से 10 मिनट का टाइम कम रखिए, नंबर वन। दूसरा, पेपर को बिल्कुल उसी प्लानिंग से सॉल्व करिए जिस प्लानिंग से आप 26 को सोचते हैं। अब 26 को क्या प्लानिंग सोचते हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ समझिए पहले आप अच्छे से कि 26 को आपको क्या करना है। अगर वो बात आपने समझ ली तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर वन, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से एक बात बोल सकता हूँ कि कई बच्चे सोच के जाते हैं कि मैं 80 करके आऊँगा, कई सोच के आते हैं कि मैं पहले मैथ्स करूँगा, कुछ सोचते हैं मैं पहले रीजनिंग करूँगा क्योंकि टेस्ट में होता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ और बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप ये सोच के घर में बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं उस जगह 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा या मैं इतनी स्पीड से चलाऊंगा, ये डिसीजन होता है रोड की कंडीशन से। वैसे ही मैं बोलूंगा कि साइकोलॉजिकली अगर आपने इस मेरी बात को समझ लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, कि आप कुछ भी सोच के ना जाएं, बस एक बात सोच के जाएं, जो आता है वो पहले अटेम्प्ट करना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, नंबर वन थिंग। यानी जो आता है उसी को पहले फोकस करें। भले ही मैथ्स का क्वेश्चन 12 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग का 6 मार्क्स का है, कंप्यूटर फंडामेंटल का 8 मार्क्स का है, और इंग्लिश का 4 मार्क्स का है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि रीजनिंग इजी है तो गो फॉर रीजनिंग, कंप्यूटर इजी है तो गो फॉर कंप्यूटर, इंग्लिश इजी है तो गो फॉर इंग्लिश, मैथ्स इजी है तो गो फॉर मैथ्स। बट
पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि मैथ्स अगर पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपके स्कोर्स ज़्यादा आने के चांस हैं, फिर भी जो आता है उसे पहले अटेम्प्ट करने से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको जो चीज़ नहीं आती उसे ना देखें, और पेपर टफ होगा या इजी ये भी सोच के नहीं जाना है। जैसा भी होगा सबके लिए एक जैसा होगा, इजी होगा तो सबके लिए सिंपल होगा, टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। फिर भी अगर आप 60-70 क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी रैंक की तरफ जा सकते हैं। इजी पेपर में तो ये और भी डाउन हो जाता है, तो बहुत ही साइकोलॉजिकली जाना है। दूसरा, आप में से कई लोग पिछले दिनों में जो मेरी बात हुई, जो बातें आप मुझे बताते हो, मैंने इसलिए बोला था कि मैं सेशन लूँगा लास्ट 10 डेज का, तो आपके बहुत सारे डाउट उस तरह भी क्लियर करूँगा, क्योंकि जो मुझसे बात नहीं कर पाते उनकी भी ये डाउट हो सकते हैं। आपने जो टेस्ट दिए अब तक जनवरी से लेकर अब तक और पूरे साल भर में जो टेस्ट दिए उसमें आपकी परफॉर्मेंस अप डाउन हुई होगी, कोई बात नहीं। याद रखिएगा इतने सारे कई सारे जो पेपर आपने दिए उन सारे पेपर से मिलके एक पेपर बनेगा, तो भले ही आपके रेगुलर टेस्ट में स्कोर अप डाउन हुए हों उसको आप इग्नोर कर दें, आप उन सारे पेपर को मान लें कंपाइल। क्योंकि कल यही हुआ BHU का पेपर, जब मैं बच्चों से बात करी, सारे बच्चों के साथ जब पेपर शाम को पूरा पेपर दे के आए, पेपर को डिस्कस किया, तो एक ही बात बोली और सबने ये बात मानी कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई थी बिल्कुल पेपर में वही था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो उन्होंने नहीं सॉल्व किया था। वही चीज़ NIMCET में होने वाली, वही आगे चल के JNU में। JNU के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, NIMCET के पेपर के तुरंत बाद ही JNU का पेपर है, जो आपने यहाँ करा वही जाके वो करना है। और इसलिए मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अभी भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप जब NIMCET का पेपर दे के निकलेंगे तो जो आपकी टेस्टिंग की गई है, आप चाहें तो पेपर मिला लीजिएगा, ये तो ऑफलाइन पेपर है, मॉक पेपर्स और जो प्रैक्टिस पेपर्स और एक्चुअल पेपर्स जो आपको मिले थे आप उनसे क्वेश्चन को मिला लीजिए। मैं अभी से श्योर हूँ कि आपको कहीं कुछ अलग नहीं लगेगा, पूरा पेपर सेम होगा। अगर कुछ चेंज हो सकता है तो डेटा चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। अगर इस साल इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log sin x पूछा है तो हो सकता है पिछले साल cos x हो, बस यही चेंज हो सकता है, अदरवाइज मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अगर आप पेपर देने जाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। कई बार हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद भी हम पेपर में गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि एक हमारा थॉट हमें पीछे कर देता है, एक नेगेटिव थॉट। और नेगेटिव थॉट में कई बार सबसे ज़्यादा यही आता है कि यार हर बार पेपर में तो 10-10 गलत होते हैं, इस पेपर में मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ, इस पेपर में स्कोर अच्छा नहीं हुआ। इन सब बातों को भुला दो, बिल्कुल लास्ट 10 डेज इतने अच्छे समय को निकालो कि आपको ये लगे कि बस अब जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो कर सकते हो ये भी सोचना छोड़ दो कि फर्स्ट रैंक आएगी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, फर्स्ट सेकंड रैंक के लिए नॉलेज के लिए पढ़ाई की थी, उसके लिए एग्जाम देंगे और एग्जाम भी निकाल लेंगे। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10th रैंक 100th रैंक सब दिमाग से निकाल दो, सब कुछ दिमाग से निकाल दो, बस ये सोचो कि अब मैं अपना क्या बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि एक प्रेशर ही, जब आप ये प्रेशर लेके जाओगे कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है या 10th टॉप 10 में आना, तो ये प्रेशर कई बार हमारी आती हुई चीज़ को भी कम कर देता है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है किसी तरह का, ये समय है अपने रिलैक्स माइंड से पूरे सब टॉपिक्स को रिवाइज करने का। रिवाइज भी कोशिश करें कि बुक खोल के ना करें, पुराने पेपर्स जो मिले हैं उनको रेगुलर सॉल्व करें। दूसरा जो मैंने बोला है 10 से 12 टेस्ट देना है। इसके अलावा इस संडे को जब आप टेस्ट दें तो मेरा एक आपको पर्सनल सजेशन है कि सुबह उठ के कुछ भी ना पढ़ें, बिल्कुल। यहाँ पर भी मैंने बच्चों को यही बोला है, वही आपको बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के कुछ ना पढ़ें। संडे टेस्ट के दिन आप सुबह अपने टाइम पे उठिए, बिल्कुल 9:30 पे मॉक पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि जब आप पेपर के पहले कुछ घंटे पहले नहीं पढ़ते तो पेपर में परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। क्या रीज़न होता है उसका कभी सोचिएगा, तो लॉजिकल उसका रीज़न ये होता है कि जो चीज़ हम करेंटली पढ़ते हैं वो तो हमारे ब्रेन में रहती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आता बन जाता है, हम खुश भी होते हैं कि यार ये क्वेश्चन देखो अच्छा था, सुबह पढ़ने का फ़ायदा हुआ। पर आपको उसके लॉस नहीं पता होते, उसका लॉस ये होता है कि वो तो याद आ गया पर बाकी टॉपिक को रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे में हमारा टाइम बढ़ जाता है। और याद रखिए कि पहले 10 से 11 और 11 से 12 फर्स्ट 1 आवर और सेकंड 1 आवर के परफॉर्मेंस में 50% का डिफरेंस आ जाता है, यानी पहले 1 घंटे में जो आप करेंगे उससे आधी परफॉर्मेंस अगले घंटे हो जाती है, क्योंकि पहले घंटे में आप अपना सब कुछ झोंक देते हो। पर कई बार पहले घंटे में लोग वो करते हैं जो दूसरे घंटे में करने वाले हैं, मतलब जिन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है कई लोग उन, और दूसरे घंटे में परफॉर्मेंस डाउन क्यों होती, डाउन नहीं होती एक्चुअल में,
पहले घंटे में आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, दूसरे घंटे में कम अटेम्प्ट होते हैं। रीजन ये होता है कि पहले घंटे में आप वो क्वेश्चन करते हैं जो सिंपल होते हैं, दूसरे में वो करते हैं जो टफ होते हैं। पर कई बार ये होता है कि हम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग ले लेते हैं और उसके वजह से हम पीछे हो जाते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ तो आपका पेपर आता हुआ भी खराब हो सकता है। तो पूरा पेपर इस बात पर डिपेंड करता है कि सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस आपका क्या है। नंबर वन थिंग कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन हैं तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके रीड होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग के 40 हैं तो 40 के 40 रीड होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के 10 हैं तो 10 के 10। और इंग्लिश मैंने आपको बोनस दिया है कि आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, पर गेसिंग ना करें तो अच्छा रहेगा। ये मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा। तो एक चीज़ समझिए कि आपको पूरे 50 क्वेश्चन मैथ्स के पढ़ने हैं। अगर आप ये नहीं कर पाए तो कई बार वो क्वेश्चन स्केप हो जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। याद रखिएगा, हर 2-3 सिंपल के बाद एक टफ होता है और 2-3 टफ के बाद 3-4 सिंपल भी होते हैं। अब आपको कौन सा सेट मिला ये नहीं पता है, इसलिए आपके ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बहुत मायने रखते हैं। और मैं एक बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आपने सारे टेस्ट पेपर ईमानदारी से जो मैंने दिए थे वो अगर आपने सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, तो ये पेपर आपको 100% बहुत ईजी लगने वाला, बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। और मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस साल का पेपर टफ आने की संभावना नहीं है। IIT का पेपर भी टफ नहीं था। जो बॉडी JEE मेंस की है वही बॉडी इसकी है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव माइंड से। दूसरा, जो मैंने आपके साथ क्विक रिविजन लिए थे उसमें आप लोगों ने मुझे एक मैसेज जरूर किया था कि कुछ बोर्ड पे ब्राइटनेस थी और कंप्यूटर फंडामेंटल के भी, पर वो आने वाले सेशंस में मैं बहुत ध्यान रखूंगा। पर वो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप अगर अभी भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो देखिए, मैंने एक तो सबसे पहले आपके साथ 2008 से अब तक के पेपर डिस्कस किए थे, वो भी टॉपिक वाइज करे। आप लोगों ने बोला कि सर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो इसलिए करे थे। उसमें एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, वेक्टर है, ये पूरे टॉपिक का रिवीजन हुआ है। इधर उसके पहले भी मैंने आपको कुछ क्विक टॉपिक रिवीजन करवाए थे, यहाँ पेपर सॉल्व करवाए थे। इन सब पेपर्स को, इनको अगर आप चाहें तो एक बार और देख लें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाली। अभी आपके मैं 2 और 3 सेशन लॉजिकल रीजनिंग के भी लेने वाला हूँ जो आपको मिलेंगे सेशन के बाद, जिससे कि आपको और आइडिया लगे। पर मैथ्स जो MCA में लॉजिकल रीजनिंग आता है, याद रखिएगा लॉजिकल रीजनिंग भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। लॉजिकल रीजनिंग SSC का, बैंकिंग का, वो अलग होता है। पर जब हम बात करते हैं MCA के लॉजिकल रीजनिंग की, तो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मैथ्स अच्छी है तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनने लगते हैं, और वैसे भी आपने उसकी प्रैक्टिस करी हुई, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना है, चाहे मैथ्स हो चाहे LR हो, क्वेश्चन पहले सिंपल ही अटेम्प्ट करना है। और स्पेशली LR में मैं एक बात बोलूँगा आपको कि LR में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप पहले सिंगल वाले क्वेश्चन करिएगा, पैसेज वाले क्वेश्चन को बाद में करिए। दूसरा, मैथ्स में भी जिन क्वेश्चन की रीडिंग का टाइम ज़्यादा हो उसको बाद में करिए। कई बार वो सिंपल हो सकते हैं बट वो रीडिंग टाइम भी हमारे लिए कैलकुलेशन टाइम, क्योंकि हमें सबसे पहले ये ट्राई करना है कि मैथ्स में पहले 20 मिनट में 25 क्वेश्चन अगर हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, और हो जाएंगे, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 से 15 वो क्वेश्चन होंगे जो आपने, जिनके आंसर्स आपको याद होंगे। मैंने इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जितने मॉक दिए उनको रिवाइज करो, उन्हीं से आने वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। और अगले 40 मिनट में, क्योंकि मैंने आपको टाइम जो बोला था फिर बोलूंगा, अगले 40 मिनट में 15-20 क्वेश्चन, इस तरह से आप 40-45 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स में चले जाएंगे। 5 क्वेश्चन तक ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी टफ हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 4-5 क्वेश्चन जो टफ हैं उनको छोड़ दो, उनमें अगर उलझ गए तो हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट उतने ना हो पाए, यानी आप जो करना चाहते थे उससे कम हो सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि वो 5 क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पड़ना। कई बार वही क्वेश्चन पहले, और क्वेश्चन करते करते अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, दोबारा सॉल्व मत करना, क्योंकि सेकंड टाइम सॉल्व करना यानी किसी एक क्वेश्चन का कम होना। आप अगर एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं तो किसी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम आप कम कर रहे हैं, और सेकंड टाइम में मिस्टेक के और चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जिस समय जिस क्वेश्चन पे हैं उसी क्वेश्चन पे रहें। होता क्या, ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकली है, क्वेश्चन कर रहे हैं 10, दिमाग में चल रहा है 9 कि यार इसमें ये स्टेप गलत तो नहीं लग दी, और 11 क्या है वो भी दिख रहा है आंखों के सामने। नो,
टेन कर रहे हैं तो टेन पे ही करें, इलेवन कर रहे हैं तो इलेवन पे रहें, ट्वेल्व कर रहे हैं तो ट्वेल्व पे रहें, बीच में ऊपर नीचे नहीं स्केप करना है। यानी अपने आप को इस बात के लिए कमिटेड रखना है कि जिस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही करें, बिल्कुल दिमाग में रखें। ओएमआर शीट साथ में भरें, घड़ी आपके पास अपनी होना चाहिए, मोबाइल से टाइम नहीं देखना है, 10 o'clock पे पेपर रोज देना है। टेम्परेचर बहुत हाई है तो अपने आप को उस टेम्परेचर के लिए तैयार करना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी आप अगर एसी में या कूलर में पढ़ाई करते हैं इमीडिएटली बंद कर दें, नहीं तो आपकी बॉडी 10 से 12 में उस टाइम के लिए एडजस्ट नहीं होगी। पेन जो यूज़ करने वाले फाइनल एग्जाम में वो अभी से करें, यानी आप 26 तारीख को जो करने वाले हैं उसकी तैयारी आप बिल्कुल सेशन को सुनते ही स्टार्ट कर दें। बिल्कुल कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, पुराने पेपर्स को बार बार सॉल्व करें जितना करें, और सबसे ज़्यादा 2008 से लेके 18 तक के सारे पेपर में, स्पेशली 2013 टू 18, क्योंकि 13 के बाद काफ़ी चेंज आया था, ये 5 पेपर को 6 पेपर को आप हर दिन ही करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये पेपर बार बार करें, क्योंकि इन पेपर को जब बार बार करेंगे तो आपको जो ये पेपर मिलेगा इस साल आप में कहीं उसमें अलग नहीं दिखेगा, आपको एक ही चीज़ दिखेगी। आप जहाँ 6 साल के पेपर करो तो ध्यान से आपको हर साल एक ही बात नोटिस में आएगी कि एक साल कॉस थीटा पूछा वेक्टर में तो एक सवार साइन थीटा पूछा, एक बार कोप्लेनर पूछा तो एक बार वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड पूछा, यानी केवल डेटा ही चेंज होता है, साइन की जगह कॉस हो सकता है टेन हो सकता है, यानी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव माइंड से करो। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, साइन 30 की वैल्यू तक हम गलत लिख देते हैं कभी कभी, या टेन 30 की वैल्यू भी गलत लिख देते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से उभरना है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत प्रेशर लेके अपने आप को दे रहे होते हैं। तो अब ये समय है कि मैं आपको बोलूँगा प्रेशर रिलीव कर दें, पॉजिटिव माइंड से पढ़ें। कितना लेट स्टार्ट किया है कुछ बच्चे, क्योंकि इस बार जनवरी में भी जुड़े थे, फरवरी में भी, उनको भी मैं एक ही मैसेज दूंगा कि कितने कम समय है, वो सब छोड़ के अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो है बेस्ट, और बेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ मत सोचिए। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। अभी आखिरी दिन भी मैं एक सेशन आपके साथ फिर डिस्कस करूँगा, अपने आप को माइंड रिलैक्स कर लीजिए। 25 तारीख को आपको कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, 24 लास्ट स्टडी डे होगा, 25 को जितना फ्री रहेंगे उतना माइंड रिलैक्स होगा, माइंड रिलैक्स होगा तो आपका रिकॉलिंग टाइम बढ़ जाएगा, यानी आप चीज़ों को रिकॉल करने में कम टाइम लेंगे तो आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल एक बहुत प्रॉपर राइट प्लानिंग से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपने अब तक टेस्ट में, क्योंकि अभी मुझे जैसे कल ही बात हो रही थी कुछ स्टूडेंट से कि सर अभी भी 5 गलत हो रहे हैं, 6 गलत हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, तो मैं आप सबको बोलूँगा आप सब बातें दिमाग से निकाल दो, जो गलत हो रहे हैं उनको आपने, क्योंकि गलत क्यों हो रहे हैं वो पता कर लिया है तो आगे गलत नहीं होंगे। आपको आपके पेपर एनालिसिस में ये पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो आपसे वो नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने वो मिस्टेक को नहीं कैच किया तो फिर मिस्टेक होने वाली, तो उन सारी मिस्टेक्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो, एनालिसिस टाइम को बढ़ाओ। ये समय जो है वो एनालिसिस वाला है, नया पढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे से बिल्कुल अपने आप को फोकस पढ़ाई करो, और कुछ भी बातें दिमाग में ना ला के फिर से मैं बोलूँगा पुराने पेपर्स को अच्छे से रोज़ सॉल्व करो, और एनालाइज स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट पे फोकस रखो। वैसे मैंने बोला वैसे ही बिल्कुल रीजनिंग में भी याद रखिएगा, 40 मिनट का टाइम है, पहले 20 मिनट में 20 क्वेश्चन जो सिंगल वाले होते हैं, फिर पैसेज पे आइए, आराम से 10 से 12 कर लेंगे, 15। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल रियलिस्टिक बातें बोल रहा हूँ जो आप करके आएंगे। 10 मिनट कंप्यूटर को दीजिए, 10 मिनट इंग्लिश को दीजिए, ओवरड्राइविंग साथ में करते हो चलिए, यानी आप प्रिपरेशन का मॉडल बिल्कुल वही रखिए जिस ऑर्डर में आपको फाइनल एग्जाम में करना है, और कोई ऑर्डर सोच के नहीं जाना है कि क्या पहले अटेम्प्ट करना है, बस पहले वो अटेम्प्ट करना है जो आता है, और आते में पहले मैथ्स वाले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो पहले मैथ्स करें फिर रीजनिंग करें फिर कंप्यूटर करें फिर इंग्लिश करें, या कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, इस पर मेरा कोई फाउंडेशन नहीं। बस हमेशा याद रखिए पहले वो करें जो आता है, जो नहीं आता उसका ना सोचें। पेपर में देख के कितना भी कम आता हो कितना भी ज़्यादा आता हो ये दिखना चाहिए कि आता क्या है, ये मत सोचो कि 4 क्वेश्चन नहीं आते, सोचो कि 6 आते हैं, पहले उन 6 की चिंता करोगे तो अपने आप वो 4 बन जाते हैं। याद रखिए पेपर देख के अगर आपके दिमाग में थॉट आता है 40% नहीं आता, तो आप जब पेपर दे के निकलेंगे तो आपको जो 60% आता था उसका भी 40 ही कर पाएंगे। अगर पेपर देख के सोचते हो कि 60% आता है तो निकलोगे तो 80% करके आओगे, यानी एक थॉट से 40% का डिफरेंस आता है, ये रियलिस्टिक फैक्ट है, बिल्कुल इस पर कोई चेंज नहीं।
तो यानी अगर आपको 100 क्वेश्चन मिले हैं, आपको लगता 60 आते हैं तो आप 60 कर लोगे तो और 20 कर लोगे, पर अगर आपने सोचा 40 नहीं आते तो 40 नहीं आते जो आपके ब्रेन में घूमना चालू होगा, तो जो 60 आते हैं उसके भी 20 कम होंगे। तो अपने आप को 40% पीछे नहीं करना है बल्कि आगे बढ़ाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से पढ़ते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बिल्कुल बात करो, मैसेज करो, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा या जैसे ही क्लास खत्म होगी रिप्लाई दूंगा, क्योंकि आखिरी दिन में अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पूरे साल भर की कई बार मेहनत खराब हो जाती है। यानी लास्ट दिनों में हम कैसे अपने आप को रख रहे हैं उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और कुछ रिजल्ट की चिंता मत छोड़ो, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रैंक होगी कि नहीं, ये सब छोड़ के अपने आप को पॉजिटिवली तैयार करो। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया होगा, कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आई थी, पर मैंने जैसे ही बोला आपको मेल करना है उनको मेल करो, उनको फ़ोन करो, वो आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और हो भी गई कुछ बच्चों ने। इसलिए इन सब बातों को लेकर पैनिक नहीं होना है, बल्कि पॉजिटिवली हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ सोचना है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।